गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह सुबह जा रहे हैं कपिलधारा शिव जी का मंदिर है जो नारगढ़ के 5.5 किलोमीटर दूर है। तो हम जा रहे हैं और आज हम आपको सब नज़ारा दिखाएंगे। रही हमारे यहाँ ना बाको है ना बाको तो आ गए यहाँ पे अभी भी पुराने मकान पाए जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ पुराने पुराने मकान हैं। ये देखिए गाय भैंस बनी हुई है। ये देखिए आप अभी भी पत्थरों का मकान है। अभी हम पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द पहुँचेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ये हम पहुँच गए तो हम आगे दिखाएंगे अब नज़ारा क्या आएगा। लगे रहे हमारे वीडियो में, धन्यवाद। गाइज यहाँ पे झरना आप देख सकते हैं, कितना मस्त झरना है। यहाँ का मौसम क्योंकि बारिश आज ज़्यादा है, हर साल कोई ना कोई आदमी, एक आदमी तो मरता ही है यहाँ पे ये फिसलन की वजह से। आप देख सकते हो कितना बड़ा नज़ारा है। ये देखिए वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ शिव का है, वहाँ कुछ लोग सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये रियल नज़ारा है। वहाँ शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है जो पत्थरों के बीच में बना हुआ है। यहाँ बीच में कुंड भी है, वो जो पानी की वजह से नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारा कैसा मस्त है। लास्ट तक बने रहिए हमारे, अब हम नीचे जाने वाले हैं। यहाँ पर बंदर बैठे हैं। ये भाई साहब आ गए, हम जाते हैं नीचे दिखाते हैं नज़ारा। ये क्या है, गुफा? ये भाई साहब ये तो गंगा जी जैसी लग रही है। देखो पानी पानी है, बारिश ज़्यादा बढ़ गई है, पत्थर वगैरह है। ये भाई तो हम आ गए, वहाँ शंकर भगवान बैठे, वहाँ बैठे हमारे महादेव संतार के। नहीं जा रहा तुम, शिव जी का मंदिर है, ये झरना है, पत्थर है। वो कौन है? ये दो कुंड, ये यहाँ पे कुंड है। हाँ दो, यहाँ वो गौमुख है ना। हाँ उसमें से परमानेंट पानी निकलता है, वो निकलता है। अच्छा वो गौ फल है ना। हाँ आगे वो गौ है, झूम नहीं हो रहा। वहाँ से परमानेंट पानी निकलता है। यहाँ पे कुंड है पर बारिश की वजह से ये कुंड पानी के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलते हैं, पानी बढ़ गया है, कहीं रास्ते में हम भी डूब ना जाए, फिर ब्लॉग अपलोड कौन करेगा।
आज के लिए बस इतना ही, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो अब चलते हैं घर, पानी था वरना पूरा नज़ारा फिर कभी दिखाएंगे। ये रही हमारी बजाज की बाइक 100। अच्छा आज के लिए बस इतना।